वेलकम टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स इन माई यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले वीडियो लेक्चर में रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसके पहले हमने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं और उनकी जो कैटेगरी है, उनका बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन, वो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डिस्कस करने वाले। इससे पहले एक फ्रेंड्स बता दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब बटन है, पहुंच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो लेक्चर को। इसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन। जैसे कि इसेंशियल एलिमेंट हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट सेल्स, सच एज परमिबिलिटी ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिबिलिटी को बनाए रखते हैं सेल मेम्ब्रेन की, और साथ ही साथ में मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ द सेल्स है। फिर क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बफरिंग एक्शन, एंजाइम एक्टिविटी एंड एक्ट एज ए मेजर कंस्टिट्यूंट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ को एंजाइम। तो ये इनके इतने सारे फंक्शन हैं कि कोशिका की जो विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि कोशिका झिल्ली है उसकी पारगम्यता को, और कोशिका द्रव्य के परासरण को नियंत्रण करते हैं, इलेक्ट्रॉन परमानन तंत्र को, ठीक है, बफरिंग एक्शन में, और एंजाइम से संबंधित जो कार्य हैं जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स सह एंजाइम के भी घटक होते हैं ये। ठीक है, कोएंजाइम के घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं कोएंजाइम के। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस एंड मिनरल्स एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। इस तरीके से यहाँ पे उनके पोषक तत्वों के रूप और उनकी क्रियाएं दी गई हैं। देखिए किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इज़ द मिनरल्स एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन दी ग्रेटेस्ट अमाउंट। ठीक है, अब क्या है कि सबसे अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है इसकी, इस तत्व की सर्वाधिक मात्रा में अनिवार्यता होती है। इट एब्जॉर्ब मैनली एज NO3 आयन, यानी नाइट्रेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है। दो सम आर आल्सो टेक अप एज ए NO2 नाइट्राइट के लिए भी रूप में, अमोनियम आयन के रूप में। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाई ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पर्टिकुलरली बाई द मेरिस्टमेटिक टिश्यूज एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड हार्मोन्स। तो क्या है कि इसकी अनिवार्यता पौधे के सभी भागों में, विशेषता जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू हैं, विभज्योतक ऊतक हैं, और जो एक्टिवली सक्रिय उपापचय कोशिकाएं होती हैं उनमें इनकी अनिवार्यता मुख्य रूप से होती है, और साथ ही साथ में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन के कंपोनेंट होते हैं ये। फिर हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस इज एब्जॉर्ब बाई द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द फास्फेट आयन, यानी कि फास्फेट आयन जैसे कि H2PO4 आयन और HPO4- यानी कि -2 आयन। फास्फोरस इज ए कंस्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन प्रोटीन्स, ऑल न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, एंड इज रिक्वायर्ड ऑल फास्फोरिलेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम इज एब्जॉर्ब एज ए पोटेशियम इज एब्जॉर्ब पोटेशियम आयन K+ के रूप में इन प्लांट्स एंड इज रिक्वायर्ड मोर अबेंडेंट क्वांटिटी इन मेरिस्टमेटिक टिश्यू, बर्ड्स में, लीव्स में एंड रूट टिप्स। पोटेशियम हेल्प दैट द मेंटेन ऑफ एनायन कैटन बैलेंस इन द सेल्स एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड इज इन द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेजिडिटी ऑफ द सेल। यानी कि जो पोस्टोमेटम के ओपनिंग और क्लोजिंग में पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है, और पोटेशियम जो है एक्टिवेट एंजाइम्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेजिडिटी ऑफ द सेल्स। तो कोशिका की जो ट्रेजिडिटी अवस्था है उसको बनाए रखने में शामिल होते हैं ये। और फिर साथ ही साथ में बात करते हैं कि ये पौधों के मेरिस्टमेटिक ऊतक में, विभज्योतक ऊतक में, कलिकाओं में यानी और पत्तियों में और मूल शीर्षों में अधिक अधिक मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैल्शियम की। तो कैल्शियम आल्सो अब्जॉर्ब कैल्शियम
प्लांट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम सॉयल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन Ca+2 के रूप में एब्जॉर्ब करेंगे। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय द मेरिस्टमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज ड्यूरिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इट इज यूज टू सेंसेस ऑफ सेल वॉल, पर्टिकुलरली इज कैल्शियम पैक्टेड इन द मिडिल लैमेला। इट इज ऑल्सो नीडिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। इट एक्यूमुलेट्स इन ऑर्डर लीव्स। इट इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जो कैल्शियम है वो कैल्शियम आयन के रूप में अब्जॉर्ब किया जाएगा और इसकी आवश्यकता जो होती है वो मेरिस्टमेटिक में और जो विभाजित हो रहे हैं विभेदित होते हुए ऊतकों में इसकी ज़रूरत सबसे अधिक होती है। फिर हम बात करते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका योगदान होता है, विशेष रूप से मध्य पटलिका जो होती है सेल कैल्शियम पैक्टेट की वो इसी के रूप में होती है कैल्शियम की। इसकी अनिवार्यता जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है उसमें के निर्माण में होती है। अब ये क्या है कि ये कोशिका झिल्ली की सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित भी होती है, कुछ एंजाइम को भी सक्रिय बनाता है, यानी कि उपापचय नियंत्रण में इसकी भूमिका बहुत अच्छी होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो देखिए मैग्नीशियम इज़ एब्जॉर्ब प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेट Mg+2। इट एक्टिवेट द एंजाइम रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। मैग्नीशियम इज़ ए कंस्टिट्यूंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम जो Mg+2 आयन के रूप में अवशोषित किया जाएगा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्रिया में एंजाइम को सक्रियता प्रदान करता है। DNA और RNA के संश्लेषण में भी ये शामिल होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के वलय संरचना का संगठन है, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में वलय संरचना का संगठन है और राइबोसोम के आकार को भी ये बनाए रखता है, राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में हेल्प करता है। चलिए अब हम बात करते हैं सल्फर की। देखिए तो सल्फर क्या है, सल्फर के प्लांट एब्जॉर्ब सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन, यानी ये SO4-2 के रूप में ये अब्जॉर्ब किया जाएगा। सल्फर इज प्रेजेंट इन द टू अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर दो अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है, दैट इज सिस्टीन एंड मेथियोनिन, एंड इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ द सर्वल एंजाइम जैसे कि कोएंजाइम विटामिन थायमिन बायोटिन कोएंजाइम ए एंड फेरेडॉक्सिन। तो क्या है कि ये SO4- के रूप में ये लिया जाता है पौधों को और सिस्टीन और मिथ्यूनी नामक अमीनो में पाया जाता है तथा अनेक विटामिन जैसे थायमिन बायोटिन कोएंजाइम और फेराडोक्सिन का ये मुख्य घटक है। फिर हम बात करते हैं आयरन की। देखिए आयरन आयरन ऑब्टेन फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ द फेरिक आयन Fe+3। इट इज़ रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरेडॉक्सिन ऑन साइटोक्रोम। इट इज़ रिवर्सली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Fe2 to Fe+3 ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इट एक्टिवेट्स कैटलाइज एंजाइम एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल। तो लोहे जो ये आयरन है वो Fe+3 के रूप में लिया जाता है पौधों की, इसकी अनिवार्यता किसी भी अन्य सूक्ष्म मात्र तत्व की अपेक्षा अधिक ही होती है। ठीक है क्या कि फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम जैसे जो प्रोटीन का भाग है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में होता है संलग्न, इनका स्थानांतरण जो होता है स्थानांतरण के समय क्या होता है Fe2 से Fe+3 के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण हो जाता है और साथ ही साथ में ये कैटलाइज एंजाइम को भी ये सक्रिय करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलाइज एंजाइम को ये सक्रिय करता है। ठीक है अब क्या है जो क्लोरो फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल और पर्ण हरित के निर्माण में भी ये अनिवार्य होता है। ठीक है चलिए तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ में हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।